तो लखीमपुर खीरी में आज एक बड़ी घटना घटी है और इस घटना में 6 किसानों की कार से रौंदे जाने की वजह से 6 किसानों की मौत की खबर अभी तक प्रशासन के अनुसार जो तस्दीक की गई है 6 किसानों की मौत हुई है। और उसके बाद देखिए कैसे यहां पर आगजनी की घटना भी घटी। किसानों ने गुस्से में अपने साथियों को खोने के बाद यहां पर कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल यहां पर बड़ी तादाद में किसानों का जमावड़ा था क्योंकि इसी रास्ते गुजरना था केशव प्रसाद मौर्य को, डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के, जिनकी गाड़ी में सवार थे खुद अजय मिश्र टेनी, जिनके इलाके में जाना था दरअसल यहां से डेप्यूटी सीएम को, लेकिन बीच रास्ते में विरोध के लिए किसान मौजूद थे। और बताया जा रहा है कि अजय टेनी के बेटे जो कि अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में आ रहे थे, उन्होंने इन किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और इसकी वजह से 6 किसानों की जान गई है। अब देखिए तेजस्वी यादव का ट्वीट भी सामने आ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमारे देश में अन्नदाताओं को ऐसे नरसंहार, सत्ता संरक्षित विभत्स अत्याचार से जूझना पड़ेगा। ये अब तक अकल्पनीय था, पर ये न्यू इंडिया है। तमाम विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। आगे लिखते हैं, तेजस्वी दंगाई सत्ता में है और संवैधानिक संस्थाएं दरी सहमी हैं। जोरदार निशाना साधा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। साथ ही उन्होंने कहा, लखीमपुर खीरी में हुई है बानियत को माफ नहीं किया जा सकता, मांग उठाई जा रही है कड़ी से कड़ी कार्यवाही किए जाने की। माफ नहीं किया जा सकता, हरगिज नहीं, लखीमपुर किसान नरसंहार। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम नेताओं ने ट्वीट किया है इसको लेकर के। प्रियंका गांधी, उन्होंने भी ट्वीट किया है, मोदी सरकार पर निशाना साधा है। और कल आपको बता दें प्रियंका गांधी लखीमपुर भी पहुंचने वाली है। इससे पहले आज लगभग 12-1 बजे तक रात में राकेश टिकैत भी लखीमपुर पहुंचेंगे, वहां पर किसानों से मुलाकात कर हाल जानेंगे और पूरा कैसे ये घटना घटी वो समझने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी तय करेंगे। ये तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अब से लगभग 4 घंटे पहले ये घटना घटी इस हाईवे के ऊपर और यहीं पर ये दर्दनाक हादसा हुआ, घटना जिसकी वजह से 6 किसानों की मौत हो गई कार से कुचले जाने की वजह से। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त अपडेट के साथ। मानस, क्या अपडेट कार्रवाई को लेकर? देखिए, जो इलाका है पूरा टिकुलिया का, वहां पर पुलिस फोर्स भारी मात्रा में तैनात कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी है वो भी पहुंच गए हैं और आईजी प्रेस मौके पर है, करीब 1 घंटे से वहां मौजूद है, बातचीत कर रही है। उस वक्त हुआ क्या था और किसकी गलती की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई? एडीजी एलओ प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में वो भी पहुंच जाएंगे। लेकिन स्थिति यह है कि अभी भी बहुत तनाव बना हुआ है और लगातार ये मांग की जा रही किसानों की तरफ से कि अजय मिश्रा जो पुत्र है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों से बैठ ले रहे हैं और शहर के बाहर से, लेकिन तमाम कार्यक्रमों को रद्द करके उपरी रखवा रहे और सुबह ही उन्होंने अधिकारियों को तलब किया है। इस पूरे मामले पे वो बैठक करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि अभी भी वहां पर बहुत बना हुआ है और जो फोर्स है उसको समझाने में बहुत दिक्कत आ रही है। किसानों ने जाम लगा रखा है, 2 किसानों के शव अब तक पूर्व दिए जा चुके थे और बाकी किसानों के भी शव अभी मरामद के शव भी अभी पे जाने हैं। लेकिन चूंकि हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी खूब खूब के कदम रखे हैं और किसानों से बातचीत करके उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। समझ एक छोटी सी बात, अजय मिश्र टेनी का बेटा कहाँ है? आखिर अभी तक उसको हिरासत में गिरफ्तार या फिर क्यों नहीं किया गया? चलिए बहुत छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा आएंगे अपडेट्स लेकर आपके सामने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।